कैबिनेट ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना और राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र को स्थापित करने को दी मंजूरी। पूरे देश में बाढ़ की स्थिति का हो पाएगा आकलन। कैबिनेट ने बैंक ऑफ बड़ौदा के एंड्रू यूल एंड कंपनी को 29.91 करोड़ रुपए के ऋण को कंपनी के शेयरों में बदलने को दी अनुमति। ऋण को शेयर में बदलने से ऋण चुकाने की लागत घटेगी। 2002-03 के मुंबई बम धमाका मामले में विशेष पोटा अदालत ने मुख्य दोषी मुजम्मिल और फरहान अब्दुल मलिक खोत डॉक्टर वाहिद जब्बार अंसारी को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2002-03 के मुंबई बम धमाका मामले में अन्य दोषियों को 2 से 10 साल तक की सजा। मुंबई सेंट्रल विल पार्ले और मुलुंड में हुई बम धमाकों में 11 लोगों की हुई थी मौत। भारत ने जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में चीन द्वारा वीटो के प्रयोग का मुद्दा बीजिंग के साथ उच्च स्तर पर उठाया। विदेश सचिव ने कहा यह मुद्दा दोनों देशों के बीच अन्य क्षेत्रों में संबंधों को नहीं करेगा प्रभावित। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम आज राज्य के दौरे पर। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जेदी के नेतृत्व में आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से करेगा बातचीत। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। तीसरे चरण में मुर्शिदाबाद, नादिया, बर्धमान और उत्तर कोलकाता में 21 अप्रैल को होगा मतदान। एनआईटी श्रीनगर विवाद में जम्मू कश्मीर सरकार ने गठित किया जांच दल। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को छात्रों की सुरक्षा का दिया भरोसा। श्रीनगर एनआईटी में हुई झड़प को लेकर परिसर में सीआरपीएफ तैनात। भाजपा ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए की कार्रवाई की मांग। घटना का जायजा लेने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक दल ने परिसर का किया दौरा। पाकिस्तान ने कहा भारत ने पठानकोट आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तानी संयुक्त जांच दल के सामने सुरक्षा बलों से जुड़े गवाहों को पेश नहीं किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की कोशिशों को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। इलाके में खोजबीन अभियान जारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जांच कार्य में शामिल होने को कहा। कोर्ट ने वीरभद्र को गिरफ्तार नहीं करने का सीबीआई को दिया निर्देश। देश में आयात निर्यात की सबसे बड़ी समिति बोर्ड ऑफ ट्रेड की नई दिल्ली में हुई बैठक। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में गिरते निर्यात को रोकने और वर्तमान स्थिति को लेकर की चर्चा। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। आज किया जाएगा उनका अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर जताया शोक। महाराष्ट्र में सूखे को गंभीर मुद्दा करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल को लेकर महाराष्ट्र सरकार और क्रिकेट संघ को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने पिचों के रखरखाव के लिए पानी के दुरुपयोग पर कहा आईपीएल से ज्यादा जरूरी है लोग। आइसलैंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने सिगुरडर लीगी जॉनसन को नया प्रधानमंत्री किया नियुक्त। जॉनसन प्रोग्रेसिव पार्टी के उपनेता और कृषि मंत्री हैं। पनामा पेपर लीक मामले पूर्व प्रधानमंत्री गुन लॉक्सन के इस्तीफे के बाद उठाया गया यह कदम। सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने जापान को हराकर जीत के साथ की शुरुआत। भारत ने जापान को दी 2-1 से शिकस्त। वहीं भारत का अगला मुकाबला आज होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने की जीत के साथ शुरुआत। साइना ने थाईलैंड की जिंदापोल को तो वहीं सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराया।